चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नवरात्रि स्पेशल कन्या भोजन के लिए थाली बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी और यकीन मानिए सभी को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमने काबली चने और आलू की रसीली सब्जी बनाई है और यहाँ हमने दूध और चावल की इतनी टेस्टी खीर बनाई है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और यहाँ हमने मसालेदार काले चने बनाए हैं, साथ ही गर्मा गर्म फुली फुली पूरिया बनी है और सूजी की दानेदार मिठाई बनाई है। तो सबसे पहले हम सूजी की मिठाई बनाएंगे। मिठाई बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, 1 कप घी डाल दिया है और उसे अच्छे से गर्म कर लिया है। साथ ही हमने गर्म करने के बाद घी को उसमें 1 कप सूजी डाल दी है और उसे अच्छे से भून ली है। सूजी को हम हल्का ब्राउन होने तक ही भूनेंगे और अब हम उसमें केसर का दूध डाल देंगे। केसर को दूध डालने के लिए हमने छोटी कटोरी गरम दूध में 4 से 5 केसर के रेशे भिगो कर रख दिए थे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही 2 मिनट के लिए इन्हें भून भी लेंगे। 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई इलायची डाल देंगे और कुछ किशमिश डाल देंगे और इन्हें मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब हम यहाँ इसमें पानी डालेंगे। हमें लगभग 1 ग्लास पानी डालना है, लेकिन हम सारा पानी एक साथ ना डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। हम यहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे पहले सूखने देंगे। जैसे ही वह सूख जाएगा हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और ऐसे ही प्रोसेस करते करते हमें 1 ग्लास पानी लगभग डाल देना है, जिससे जो हमारी सूजी है वह बिल्कुल दानेदार हो, हमारी जो मिठाई जमेगी वह दानेदार जमेगी। और पानी डालने के बाद हम लगभग इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब हम हमारी सूजी को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सूजी लगभग 80% पक चुकी है। अब इसी समय पर चीनी ऐड कर देंगे। यहाँ हम 1 कटोरी चीनी ऐड कर रहे हैं। अब हम इसे मिक्स करते हुए फिर कुछ मिनटों के लिए भून लेंगे। अब हम यहाँ 2 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे हमारे सूजी के हलवे में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी सूजी अच्छे से भून चुकी है। अब यह मिठाई जमने की स्टेज पर भी आ चुकी है, तो हम एक प्लेट को घी से ग्रीस करके उसमें सारा मिठाई का मिश्रण डाल देंगे और उस मिश्रण को प्लेट पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। प्लेट में अच्छे से मिश्रण को स्प्रेड करने के बाद अब हम इसे सेट होने के लिए साइड में रख देंगे और साथ ही हम इस पर काजू की कुछ कतरन भी डाल देंगे। अब हम यहाँ चनों को बॉईल कर लेंगे। मैंने 1 कटोरी काले चने लिए हैं, इन्हें ओवरनाइट भिगो कर रखा था। अब हम इसे कुकर में ऐड कर देंगे। चनों के डूबने तक का ही हम पानी डालेंगे और साथ ही उसमें 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे। अब हम काबुली चनों को एक अलग से बाउल में रख कर उसमें भी पानी डालकर उसमें भी 1 चम्मच नमक डालकर उसे मिक्स करके और ढककर कुकर में ही रख देंगे। साथ ही कटे हुए आलू भी हम कुकर में रख देंगे, इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 5 से 6 सीटी ले लेंगे। अब हम खीर बना लेंगे। खीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उस दूध को पतीली पर चढ़ा दिया है और उसे गर्म करने रख दिया है। कुकर में सीटी लग चुकी है, हमारा कुकर ठंडा हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे और साथ ही हमारे चनों को बाहर निकाल लेंगे। हमारे दोनों ही चने अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए हमारे काले चने अच्छे से पक चुके हैं और साथ ही हमारे काबली चने भी अच्छे से पक चुके हैं। हमारा दूध में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। वॉश करे हुए हमने यहाँ 1 कटोरी चावल लिए थे, उन्हें वॉश कर लिया था। अब हम यहाँ दोबारा केसर का दूध ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ 1/4 टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही हमारे कुछ कटे हुए काजू बादाम है और चारोली है, हम उन्हें भी ऐड कर देंगे। साथ ही हम 1 कटोरी चीनी भी ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे एक ढक्कन से ढक देंगे और केवल थोड़ी सी जगह हम ढक्कन से छोड़ देंगे ताकि हमारे दूध में उबाल ना आए। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर देंगे, कुछ कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे और 1/2 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून कटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम 2 टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ हम हाफ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही 1 कटोरी पानी डालकर सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। हम यहाँ प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून क्रश करी हुई कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, साथ ही हम बॉईल किए हुए काले चने भी ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम हाई रखकर इन्हें पूरा पानी सोखने तक चलाते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे चनों का सारा पानी सोख चुका है, हमारे चने बनकर रेडी है। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। अब हम काबुली चने की सब्जी बना लेंगे। इसके लिए अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, साथ ही उस पर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने पर 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे, 2 तेज पत्ते डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून सौंफ डाल देंगे, 5 से 6 काली मिर्च ली है वो डाल देंगे और साथ ही कुछ कटी हुई हरी मिर्च है 2 से 3 वो भी डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक भी ऐड कर देंगे और टमाटर की प्यूरी बनाई थी हमने वो भी ऐड कर देंगे। हमने यहाँ 1 टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ी सी क्रश करी हुई कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 टेबल स्पून पानी डालकर मसाले को अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम बॉइल्ड किए हुए काबुली चनों को भी ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम बॉइल्ड किए हुए आलूओं को भी हल्का सा मैश करके डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही अब हम यहाँ 1 गिलास पानी भी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 1 बॉईल आने देंगे। हमारी सूजी की हलवे की मिठाई भी अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसे कट करके इसके पीसेस को निकाल लेंगे। आलू चने की सब्जी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और इसे भी सर्व कर लेंगे। सभी डिशेस बनाने के बाद में हमने सबसे आखिर में पूरियां तली है और गर्म गर्म पूरियां बनाते गए और कन्याओं को खिलाते गए। हमारा नवरात्रि स्पेशल कन्या भोज बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं इसे हमने सिर्फ 30 मिनट में बनाया है और कितनी जल्दी बन चुका है ये। और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। हमारी सभी कन्याओं को खाना बहुत पसंद आया, उन्होंने खाने की बहुत तारीफ करी है। आप एक बार इस तरह से खाना बना कर तो देखिए, हर कोई आपकी तारीफ करते थकेगा नहीं, इतना टेस्टी खाना बनेगा। वेल, आप इस रेसिपी को अपने किचन में कब ट्राई कर रहे हैं और कब आप उन्हें इतना टेस्टी खाना खिला रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आप देख सकते हैं बच्चों को खाना खाने के बाद में उनका फेस का रिएक्शन कितना प्यारा है। ये हमारी छोटी सी कन्या को खाना बड़ा पसंद आया। एक्चुअली हमारी सभी कन्याओं को खाना बड़ा पसंद आया। खाने के बाद हमारी सभी कन्याएं बहुत खुश थी और गिफ्ट्स मिलने के बाद तो और भी ज्यादा खुश हो गई। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हमारी रेसिपी, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में एक बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी को जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।